नमो अरियंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियानं नमो जायानं नमो लोए सवसावनं एशो पंच नमुकारो सवभाव पनासनु मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं परमं हवै मंगलं। भद्रभाव स्वामी द्वारा विरचित कल्पसूत्र, क्योंकि सारा 1200 गाथाओं का मूल ग्रंथ है, उसकी विवेचना लोक भाषा में हमारे पूज्य गुरुदेव प्रभु श्रीमद राजेश साहब ने की है, जिसे परिषद के इन 4 दिनों में कल्पसूत्र का वाचन किया जाता है। उस कल्पसूत्र की हम ऑनलाइन इतनी विस्तृत रिकॉर्डिंग तो आपको सुना नहीं सकते हैं, लेकिन इस कोरोना संक्रमण काल के अंदर हम कल्पसूत्र के मूल सारांश को आपको सुनाने जा रहे हैं। कल्पसूत्र के अंदर परिश्रम की महिमा और परिश्रम की महिमा को करते हुए कहा है कि नेतत् पर समम पर्वम न च कल्प समम सुधम न धार्मिक सम संग त्रत्नान जगत रहे। जगत के अंदर परिश्रम के समान कोई पर्व नहीं है, और आगमों में शुद्ध सागर में कल्प सूत्र समान कोई शुद्ध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। न धार्मिक का समूह संग चतुर्विध संग का समूह वह सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। इसे 3 रत्न जगत के अंदर मौजूद है। पर्व तो बहुत होते हैं, एक लोक पर्व, लौकिक पर्व, दूसरा लोकोत्तर पर्व। लोक पर्व लौकिक पर्व है दिवाली होली आदि, रक्षाबंधन आदि, ये सभी लौकिक पर्व है। इन लौकिक पर्वों से आत्मा का बंधन मुक्ति मोक्ष को लेना देना नहीं है, सांसारिक व्यवहार है। लोकोत्तर पर्व भगवान के जन्म कल्याणक तिथियां, पर्व तिथियां अष्टमी चतुर्दशी और परिश्रम आदि, यह लोकोत्तर पर्व है। इस जगत से परलोक की तरफ जाने के अंदर, कर्म मुक्ति के अंदर, कर्म मुक्ति के अंदर इसका हमें फायदा मिलता है। ऐसे लोकोत्तर पर्व परिश्रम पर्व के इन दिनों में हम कल्पसूत्र का वाचन कर रहे हैं और उसका सारांश आपको सुना रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि नत्पर श्री मन महावीरम गौतमादि गणाधिपान गुरुवे हम कल्पसूत्र से व्याख्यान बालो कारणम। अर्थात गुरुदेव कहते हैं कि मैं भगवान महावीर को नमस्कार करके, गौतम गणाधिपान को चरण वंदन करके कल्पसूत्र की माला बोध व्याख्या करने को तत्पर हुआ हूं। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूं, फिर भी मैं तुच्छ बुद्धि से इस कल्पसूत्र माला बोध की व्याख्या करने जा रहा हूं। कहा है कि कल्पसूत्र के अंदर कि कल्प 10 प्रकार के होते हैं, और उन कल्पों के अंदर कहते कि पहला कल्प अचेलक कल्प, वस्त्र नहीं वत, एक अर्थात प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24 तीर्थंकर तक अर्थ ढके हुए वस्त्र में शरीर अचेलक के समान कल्प माना गया है। अर्थात पहले से 24 तीर्थंकरों तक का वस्त्र
श्रीवस्त्र जब देवता उनके कंधों पर डाल देते हैं तो कहते कि जब तक केवल्यता की उपलब्धि हो जाती तब तक वह वस्त्र अमुक समय तक रहता है। प्रथम तीर्थंकर देश लेके महावीर स्वामी तक देवदूष्य वस्त्र एक वर्ष तक रहता है। अचेलक अर्थात अजितनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक के तीर्थंकरों की आयुष्य के दो घड़ी शेष होने तक वस्त्र उनके शरीर पर रहता है। चेलक और अचेलक, अचेलक कल्प अर्थात वस्त्र सहित, अचेलक अर्थात वस्त्र रहित, क्योंकि अचेलक कल्प ये हमारा पहला कल्प कहा गया है। दूसरा उद्देश्य कल्प साधु के लिए ये उद्देश्य कल्प बताया गया है कि आहार आदि निमित्त आधाकर्मिक दोष लगता है अगर साधु अपने निमित्त आहार बनवाता है अथवा उसके निमित्त आहार बनाया हुआ वह ग्रहण करता है। तीसरा सह्याता दोष, सह्याता कल्प कि जिसके घर में ठहरे हो, उपासे बनाया हो जिसने, उस के घर का आहार साधु को नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोग समझेंगे इस उपासे बनाया है तो साधु संतों का व्यावच भी मुझे करना पड़ेगा। इस भाव से कर्म सूत्र में कहा गया है कि सह्याता दोष अर्थात जिसने भवन दिया और रहने के लिए उसके घर का आहार लेना नहीं चाहिए। राजपिंड अर्थात राजकीय भोजन को ग्रहण नहीं करना, राजा का भोजन नहीं ग्रहण करना, राजनेता को भोजन ग्रहण नहीं करने का। कृतिकर्म कल्प अर्थात बंधन व्यवहार साधु के लिए, छोटे बड़े का बंधन व्यवहार जो होता है वह जैसे कि पिता ने पहले दीक्षा ली है अथवा पुत्र ने पहले दीक्षा ली है तो अगर पीछे से पिता दीक्षा लेता है तो वो पुत्र वंदन करेगा। राजा दीक्षा ले रहा है लेकिन उसके पहले मंत्री दीक्षा ले ली है तो मंत्री को राजा वंदन करेगा। यह निमित्त यह प्रतिकल्प दौर हमारे यहां कहा गया है, इसे वंदन व्यवहार कहा गया है। व्रतकल्प पंच महाव्रत आदि को धारण करना व्रत कल्प है। ज्येष्ठ कल्प छोटे बड़ों का विनय रखना यह हमारा ज्येष्ठ कल्प है। प्रतिक्रमण कल्प त्रायदेशी पंच प्रतिक्रमण करना यह हमारा कल्प है। प्रतिक्रमण कल्प आठवां कहा गया। नौवां मास कल्प अर्थात एक महीने से अधिक किसी भी घर में साधु को न रहना, चतुर्मास के अलावा समशेष काल जब होता है उसमें एक महीने के बाद में भी वह योग्य समय भवन नहीं मिले तो अपने भवन के अंदर ही जहां आसन लगाया उस आसन को उठाकर दूसरी स्थान पर आसन दूसरी कोने में लगाए, ऐसा मास कल्प कहा गया है। और दसवां कहा गया परिशुद्ध कल्प। अषाढ़ शुद्धि चतुर्दशी से लेकर के 42 दिन बाद में भादवा वदी 11 कभी 12 भी आती है, स्थिति आने के आने पर हम परशुराम कल्प मनाएं। वैसे तो चातुर्मासिक समस्त गणना कही जाती है कि चतुर्दशी का प्रतिक्रमण करने के पश्चात हमारे परशुराम कल्प का अंतिम दिवस जो संवत्सर होती है 50 दिवस आती है, इस प्रकार का व्यवहार भाषा में कहा गया है। साधु के बिना धर्म नहीं होता है, चाहे वह दोष रहित हो चाहे दोष सहित हो, साधु धर्म का प्रतीक होता है। व्यवहार भाषा में कहा गया है जो मणि नत्थि धम्मो न सामाय न चेव, जो समण संग वज्जो कायको समण संगेन, अर्थात जो मन से, जिसके मन में धर्म नहीं है, जिसके मन में
सामायिक नहीं है, और जो समर संघ बच्चों समर संघ की आज्ञा को नहीं मानता है, समर संघ है ना, समर संघ की महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। इस पर कहा गया है तब तो तक कि कैसा भी साधु साधु के मुख से शास्त्र का श्रवण करना, हमें शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है। साधु की अगर आपको अनुमति नहीं है, अनुकूलता नहीं है, आपके गांव के अंदर रहे हुए श्रावक एकाशना व्यासना का व्रत करके सामायिक लेकर के अथवा पोषण लेकर के आपको कृष्ण श्रवण कराए तो समनोव साव हो, सामायिक करता हुआ समान समान श्रावक आ जाता है, उस स्थिति के अंदर भी सामायिक हमें करना चाहिए, उनके मुख से भी हमें कर्म सूत्रों का श्रवण करना चाहिए, ऐसा परम दिनों में कहा गया है। विश्व पंचमी का महत्व हमारे यहाँ बहुत कहा गया है। उस वक्त नगरी के अंदर नीलकंठ नाम का ब्राह्मण रहता था, सोमा नाम की इसकी भार्या थी, इंद्रदेव नाम का सुपुत्र था, ब्राह्मण दरिद्र था। उनके घर में पिता और माता की मृत्यु हो गई थी। श्राद्ध के दिन आए, श्राद्ध के दिन आने पर उन्होंने अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए खीर बनवाई। खीर को बना करके खीर पूरी का भोजन दिया गया, ब्राह्मणों का आमंत्रण करने के लिए गए, तभी उसके घर में एक कुतिया पाली हुई थी। कुतिया ने देखा खीर बन रही है और ऊपर से किसी जहरीले जंतु ने जहर गरल लिया है, छिपकली अंदर पड़ गई है, और कहते कि कुत्तों को जातिस्मरण ज्ञान होता है, वे अपने पूर्वों को जानते हैं, हर घटना को जानते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ऐसे स्त्री के अंदर कुतिया जाकर के खीर के अंदर ब्राह्मण की पत्नी को देखते हुए मुंह डाल दिया, खीर झूठी हो गई और ब्राह्मण बहुत क्रोधित हुई, उसने उठा करके एक जोर के डंडे से कस के कमर में मारी, कुत्ती काऊं काऊं करती हुई चले गई, जाकर कोने में बैठ गई। अब खीर नहीं बनाने की तैयारी होने लगी। खीर बनाने के लिए पैसे नहीं थे तो ब्राह्मण ने अपने घर में रहे बैल को तेली को दिया था पीलने के लिए। अब शाम हो गया, शाम का समय हुआ, कुतिया घर के कोने में पड़ी हुई है, बैल भी शाम को तेली के वहां से अपने घर लौट के आया। ऐसे में कहते कि उस कुतिया और बैल के बीच में संवाद होता है, क्योंकि जिसकी मुक्ति के लिए खीर बनाई गई थी और बैल तो पिता था और वो मां कुतिया थी, ऐसा शास्त्रकारों में ऋषि पंचम कथा में कहा गया है। कहते कि कुल देवी ने आकर के उसके शरीर में कहा कि देखो हमारे भक्ति के लिए पुत्र बहु ने खीर बनाई और हम हमारी मुक्ति तो न हो पाई। पैर कहता है कि मुझे दिन भर तेली के घर भूखे प्यासे रहना पड़ा और घुमा फिरा करके मुझे तेली लाया। कुतिया कहती है कि मुझे मेरे बहू ने मारा डंडे से, मेरी कमर टूट गई। ये बात पुत्र और बहू ने सुनी, यह स्थिति कैसे हुई कि हमारे माता पिता एक बैल बने हुए हैं, एक कुतिया बनी हुई है, इनकी दुर्गति, इनके मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। तब किसी महान ज्ञानी ऋषि के समक्ष
वो गए और वहां पर जाकर के उन्होंने उनसे कहा कि हमारे माता पिता की मुक्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि भादावती पंचमी के लिए नृसिंह पंचमी जब आती है उस समय पितृमोक्ष के लिए व्रत रखे उपवास रखे, उपवास न कर सको तो जो अन्न बैल के अंडों से बोया गया नहीं हो खेती में किया हो ऐसे अन्न का परित्याग करके फलेहार जैसा आहार करके पंचमी का व्रत करने से पितृमोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहानी ऋषि पंचमी की हमारे कह गई है और ऋषि पंचमी की इस कहानी के संदर्भ में हमारे नाग केतु का दृष्टांत आता है। हमारे परशुराम पर्व के दिनों के अंदर अठम की तपस्या और वैदिक तपस्या का बड़ा महत्व है। अठम तप क्या है उसका वर्णन इस प्रवचन के अंदर किया जा रहा है। नाग केतु के प्रवचन से कहा गया है कि श्रीकांत सेठ की भार्या श्री सखी पुत्र नाग केतु हुए बहुत श्रीमंत परिवार का बालक का जन्म हुआ। बालक 2.5-3 साल की उम्र का था। परशुराम के पर्व के दिन आए लोग आपस में बात कर रहे थे घर के अंदर को कह रहा मैं उपवास करूंगा क्योंकि मैं मेला करूंगा क्योंकि तेला करूंगा। इस प्रकार के संवाद को सुना और नाग केतु को पूर्व का जातिस्मरण ज्ञान हुआ क्योंकि पूर्व भाव के अंदर उसकी माँ सौतेली माँ थी। उसने उसको घर एक घास फूस की झोपड़ी के अंदर बंद करके घर में आग लगा दी थी लेकिन बालक को मुनि के द्वारा नवका मंत्र दिया गया था। उस नवका मंत्र का स्मरण करते हुए शुभ धान्य वह मरा था और मर करके शेर घर उत्पन्न हुआ था। इसी पूर्व की नाग केतु की कहानी थी जो जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा उसे प्राप्त हुई थी। नाग केतु बन के अंदर विचार करता है कि हो कितने भाग्य कि मुझे आज इस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला। तब कि सब उपवास कर रहे हैं मेला कर रहे तिला कर रहे मैं भी इस अठम तप करूं यह भाव हृदय के अंदर धारण किए। भाव को धारण करके अठम तप करने की लिए उसने मन में संकल्प कर लिया। अम्मा दूध पिलाए तो मुंह फेर लेती है खाना खिलाए तो मुंह फेर ले और इस प्रकार 3 दिन तक कोई भी तरह का खान पान नहीं किया। जल भी नहीं पिया दूध भी नहीं पिया खाना भी नहीं खाया अन्न प्रसाद भी कुछ भी नहीं किया। ऐसे बालक ने 3 दिन का अठम तप किया। अठम तप बड़ा कठिन तप होता है हम तो सोच भी नहीं सकते हैं क्योंकि भक्षण करते हैं। वो अठम तप किया उस अठम तप को करने के कारण उस जीवात्मा कि हृदय के अंदर शुभ भाव थे लेकिन तपस्या की प्रबलता और कठोरता के कारण वह मरणासन अवस्था में पहुंच गया। उसको हिलता डुलता नहीं देख के माता पिता पे विलाप करने लगे अरे हमारा पुत्र तो मर गया। और उस अचेतित बालक को मरा हुआ जान करके माता पिता भी प्रेम और वात्सल्य के कारण इतना लगाव था कि वे भी अपने पुत्र के मृत्यु को सुन करके समझ करके उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इधर उस बालक को नागकेतु को गृहस्थ लोग परिवार के लोग मरा हुआ समझ करके जमीन के अंदर शमशान के अंदर जाकर के गाड़ देते हैं क्योंकि बच्चों को गाड़ने की प्रक्रिया होती है बच्चों को जलाया नहीं जाता है यह बात स्पष्ट शास्त्रों में कही गई है। बच्चे को जमीन में गाड़ दिया और कहते कि बालक नन्ना बालक अठम तप को करता हुआ हृदय के नौका मंत्र स्मरण कर रहा था और शून्य अवस्था में पहुंचा हुआ अचेतन अवस्था पहुंचा हुआ वह धन्य
धरती के अंदर भी नौकामंत्र का स्मरण कर रहा है मन ही मन। ऐसे में इंद्र महाराज का धनेन्द्र का आसन चलायमान होता है और बालक को इस प्रकार कष्ट पड़ा हुआ ध्यान करके धनेन्द्र स्वयं प्रकट होते हैं और धनेन्द्र स्वयं प्रकट होकर के आते हैं बालक को हिमेंद्र से निकालते हैं ब्राह्मण के रूप में आकर के। और बालक को जब बाहर निकाला गया, बाहर निकालने के बाद में उस बालक को अपनी विद्या से अमृत का संचार करके उसके हृदय के अंगूठे के अंदर अंगुष्ठ पान करवाया और बालक चेतित हो गया। गांव के लोग आए इधर नगर के अंदर, सेठ सेठानी की मृत्यु हो चुकी है, पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, तो राजा अब पुत्र का जिसके पुत्र के पत्नी होते जिसको संतान पीछे बचती है जिसका कोई मालिक नहीं होता है ऐसे संपत्ति को लेकर राजा भी पहुंच गया। ऐसी स्थिति के अंदर वह इंद्र महाराज ब्राह्मण रूप में आए और उनका रुको बालक अभी जिंदा है, बालक अभी जिंदा है और इस बालक की धन को कोई नहीं ग्रहण करेगा क्योंकि बालक अभी जिंदा है। सेठ सेठानी भले ही मारे तक मृत्यु हो गई लेकिन इस बालक की मृत्यु हुई है, बालक को खड़ा किया और चमत्कार से देख करके लोगों ने बड़े विस्मित हुए और नगरवासी ब्राह्मण देवता प्रणाम करने लगे। ब्राह्मण देवता जो धनेन्द्र देव को स्वयं देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बालक देवाधिष्ठित है, इसके गले के अंदर एक मोती की माला डालूंगा डाल रहा हूं जिसके कारण से इस बालक का शक्ति बल रहेगा, ये बालक इस नगरी का रक्षक होगा। कहते कि नाग केतु धीरे धीरे बड़ा हुआ और एक दिन ऐसा अवसर आया जब किसी देव के द्वारा नगर पर आक्रमण किया गया को उस नगर के अंदर राजा ने किसी चोर को सूली पर चढ़ा दिया था, वह व्यंतर नहीं बना और नगर के ऊपर लाकर बड़ी शिला डालने की तैयारी करने लगा आकाश के अंदर। तब कहते हैं कि पहाड़ की चोटी पर चढ़ करके नाग केतु ने अपना हाथ रख करके जिस तरह से गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने उठाया था उसी तरह से नाग केतु ने उसे रोक दिया। यह शक्ति उसके अंदर थी, नौकामंत्र स्मरण करते हुए बालक ने उसको भी रोक दिया क्योंकि धनेन्द्र द्वारा दी गई शक्ति उसके अंदर थी। ऐसी स्थिति के अंदर जब बालक नाग केतु हुए वह किस लिए हुए, शक्तिमान हुए सिर्फ एक अठम तप करने मात्र से। ऐसी अठम तप की महिमा परशुद्ध दिन हमारे यहाँ कही गई है और यहाँ पर कल सूत्र वाचन का जो बाल सूत्र का वाचन जो हमें कहा गया है कल सूत्र के अंदर कि माता शुद्धि चतुर्थी या पंचमी की रात को आचार्य मुनि बड़े महंत जो होते हैं वो खड़े खड़े बाल सूत्र का वाचन कर श्रवण करते हैं, लेकिन अभी लोकाचार के अनुसार अभी हम ग्रस्तों के सामने बारह सौ सूत्र का वाचन करते हैं श्रवण कराते हैं। यह बारह सूत्र जो कि भगवान की मूल वाणी है, इस वाणी का वीर निर्माण के 980 वर्ष के पश्चात में पुस्तक आरोह हुई। चतुर्थी और पंचमी दो तिथियां हमारे यहाँ चलती है पर परिश्रम करने की, एक में चतुर्थी पक्ष माना गया उसमें पंचमी पक्ष माना गया। काल का आचार्य समय में किसी राजा को सुपुत्र का शोक हुआ, पंचमी को शोक निवारण का दिन था, अतः राजा आ नहीं सकता था, राजा भी नहीं आए प्रजा भी नहीं आए, पहले हिस्सा चलता था तो प्रजा की विनंती पर संघ की विनंती पर संघ ने कहा या तो चौथ कर लीजिए संवत्सरी के लिए या छठ कर लीजिए पंचमी को राजा नहीं आ पाएगा। तब से संघ के विनय पर कालकाचार्य के
शिष्य बाल मित्र कुशमित्र के समय में यह परंपरा शुरू हुई और उस परंपरा के अंदर चतुर्थी पक्ष कायम रहा। आज भी बहुत से भाग्यशाली पंचमी पक्ष को मानते हैं। सनकवासी संप्रदाय के अंदर भी पंचमी घड़ियों में अगर नहीं होती तो नहीं करते चतुर्थी को, कतरगच्छी भी अचलगच्छी भी पंचमी पक्ष को मानते हैं। लेकिन जब घड़ियों में गड़त नहीं होती तो वो समय भी चतुर्थी में आ जाते हैं। दो तरह की परंपरा आज भी चल रही, चतुर्थी का समस्या प्रतिक्रमण करना और पंचमी प्रतिक्रमण करना। तपाकच्छी परंपरा हमारी, हम चतुर्थी पक्ष को समस्या प्रतिक्रमण करते हैं। ऐसा इस कर्म सूत्र का अधिकार है और इस चतुर्थी पंचमी की जो कहानी कही गई है वह सीखी गई है। अब यहाँ से कर्म सूत्र का वाचन प्रारंभ होता है, जिसके तो पहली गाथा कही जाती है। पूरी चरमान कपो मंगलम बद्धमान निर्दितम यह परिगया जनरा थेरावली चरितम्मीम। कर्म सूत्र का वाचन यहाँ से प्रारंभ होता है। भगवान महावीर का चरित्र यहाँ से प्रारंभ होता है। कहते हैं कि भगवान महावीर का उत्तराभावी नक्षत्र में चवन हुआ। दसवें देवलोक से अषाढ़ शुद्ध छठ के दिन चवित हुए। ब्राह्मण कुंड के अंदर ऋषभदत्त पिता देवानंदा माता के कुक्षी में आए। माता ने गज वृषभ सिंह लक्ष्मी आदि के 14 सप्त देखे। इन 14 सप्त को देखकर रानी ब्राह्मण देवानंदा बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे समय के अंदर कहते भगवान महावीर के सभी कल्याणक, जन्म चवन कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, यहाँ तक कि केवल ज्ञान कल्याणक, ये सभी चारों कल्याणक उत्तर नक्षत्र में हुए। भगवान महावीर के जीवात्मा को नैसार के भाव में सम्यक्ति की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर के 27 भावों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान महावीर के 27 भाव किस तरह से थे और किस तरह से 27 भावों के अंदर परमात्मा ने अपने जीवन यात्रा प्रारंभ की। शास्त्रकार जहां से सम्यक्ति की प्राप्ति होती है वहां से भाव की गणना करते हैं। तो अनंत अनंत अनेक संख्याओं में जन्म होता है, लेकिन जब सम्यक्ति की प्राप्ति होती है तभी वह भाव परंपरा प्रारंभ होती है। भगवान ऋषभदेव 13 भाव थे, भगवान पार्श्वनाथ 10 भाव थे, नवीनाथ जी के 9 भाव थे, उससे भगवान महावीर 27 भाव की कहानी आती है। कहते कि भगवान भगवान महावीर स्वामी नैसार के भाव में जंगल में मुनियों को आहार दान दिया। एक राजा का कुटुंबिक कहा जाते थे नैसार। राजा के आवेश जंगल में लकड़ी कटवाने के लिए गए, बड़े बड़े और लकड़ी कटवाने के लिए वो पहुंचे अपना आहार लेकर के। इसी अंदर जंगल के अंदर विचरण करते हुए तपस्वी मुनि मिल गए। उसने विचार किया मुनियों को आहार यहाँ कहाँ उपलब्ध होगा, मैं लेकर आया साथ में, क्यों न मैं मुनियों का आहार दे दूं, आहार दान दूं, यह बड़ा भाग्य होता है। तो जंगल की यात्रा लकड़ी काटने के उनकी 8-10 दिन के लिए वो आए थे। काफी संख्या के अंदर आहार साथ में लेकर के आए थे। उन्होंने मुनिवर से कहा प्रभु ये मुनिवर पधारो, मुझे आहार दान का लाभ दो, धर्म लाभ दो। मुनियों ने भी प्राशु कहा समझा, अर्थात तो निमित्त नहीं आया है, खुद लेकर के लिए आया है। इसे शुद्ध आहार को देख करके नए शार के हाथों से मुनियों ने आहार ग्रहण किया और मुनि मंडल ने भी नए शार को धर्मोपदेश दिया, संसार के असार्थक बताई और वहां पर शुभ भाव से आहार दान देने के कारण से कहा जाता है कि नैसार को सम्यक्ति की प्राप्ति हुई और वहीं से भव यात्रा प्रारंभ होती है। पहले भाव के तो नैसार का भाव कहा जाता है। भगवान महावीर का दूसरा भाव देवलोक में जाते हैं, देवलोक में से चवित होकर के तीसरे भाव के मरीचि भरत के पुत्र होते हैं। भरत चक्रवर्ती जो कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, भगवान ऋषभदेव एक दिन अपनी समोसरण की धर्मसभा में विराजित थे और वहां पर भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव प्रभु से कहा कि परमात्मा
आप पहले तीर्थंकर हुए और आप कह रहे हो कि 24 तीर्थंकर और भी होंगे, तो क्या इस समोसर में कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय के तीर्थंकर बनेगा? तब परमात्मा ईश्वरदेव ने कहा कि हाँ एक जीव है, इस समोसर में तो नहीं है लेकिन समोसर के बाहर है, तेरा पुत्र मरीचि जो त्रिदंडी बना हुआ तापस बना हुआ है और वह बाहर बैठा हुआ है, वह इस 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा। तब भावी तीर्थंकर को जन्म के जन्म नाम नित्तम सज्ञे पाए भावी तीर्थंकर वंदन करने के भाव से श्रेणी श्रीपाद भरतराज महाराजा भरत चक्रवर्ती समस्त से बाहर आते हैं। मरीचि जिसका जीवन मुनि अवस्था में हुआ था लेकिन राजकुमार अवस्था का सुख भोगा हुआ तो स्नान आदि से वह रह नहीं पाता था, इसलिए उन्हें मरीचि ने त्रिदंडी वेश धारण किया था, लेकिन अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव पर दीक्षा लेने के लिए भेजते थे। ऐसे मरीचि के पास में भरत चक्रवर्ती पहुंचते हैं और भरत चक्रवर्ती कहते हैं जाकर वंदना करते हैं, तीन प्रदक्षिणा लगा करके मुनि की वंदना करते हैं। तब मरीचि आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मेरे पिता चक्रवर्ती मुझे वंदन करने के लिए आए, क्यों आए, क्या कारण है? आश्चर्य हो गए। तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं हे मरीचि मैं तुझे वंदना नहीं कर रहा हूं, नहीं तेरे शिवेश को वंदना कर रहा हूं, मैं वंदन तुम्हारी आत्मा को कर रहा हूं कि प्रभु ने कहा है कि तू इस आने वाली वर्तमान 24 का अंतिम तीर्थंकर होगा, वर्धमान महावीर के नाम से पहचाना जाएगा, इसका 24 तीर्थंकर होने वाला है, इसलिए तुझे भाव वंदना आज करता हूं, क्योंकि उस समय मैं कहां हूं मुझे पता नहीं लेकिन मैं भाव से तुम्हारी वंदना करता हूं। ये कहकर के चक्रवर्ती उन्हें वंदन करते हैं। तब कहते हैं त्रिदंडी ने जाति मत किया, कब यहो मेरे दादा तीर्थंकर, मेरे पिता चक्रवर्ती और मैं इस 24 का आने वाला 24 तीर्थंकर बनूंगा, अहो मेरा कुल मेरा खानदान कितना उच्च महान है, इसका अहंकार के साथ में जाति मत किया। और कहते हैं कि वो जाति मत के करने कारण से भगवान महावीर के जीव ने वहां नीच गोत्र कर्म का बंद किया, और यही कारण था कि भगवान महावीर का जीव पहले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, कि ब्राह्मण कुल याचक कुल कहा जाता है, दानवीर कुल कहा जाता है, याचक कुल कहा जाता है, इसलिए भगवान महावीर के जीव को पहला अवतरण देवानंदा कक्ष में हुआ। और जाति मत का कारण था जो किया हुआ कर्म किसी भी हमें हजारों लाखों करोड़ों जन्म के बाद में भी वह कर्म उदय में आता है, ये शास्त्र हमें कहते हैं, मरीचि के भविष्य कहा जाता है। इतिश्री हो गए तो मरीचि हुए, भगवान महावीर का जीव चौथे भव में ब्रह्मदेव लोक में गए और पांचवे भव में कौशिक ब्राह्मण हुए, तापसी शिक्षा ग्रहण की, सातवें भव में पुष्यमित्र ब्राह्मण हुए, आठवें भव में अग्निभूति ब्राह्मण हुए, फिर नौवें भव के अंदर ईशान देवलोक में उत्पन्न हुए देव पदे में, दसवें भव के अंदर अग्निभूति ब्राह्मण हुए, ग्यारह भव के अंदर परमात्मा का जीव देवलोक के अंदर सनत देवलोक के अंदर उत्पन्न होता है, बारहवें भव के अंदर भरतराज ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होते हैं, त्रिदंडी तपस्या की और तेरह देवलोक में उत्पन्न हुए, महेंद्र नामक तेरह देवलोक हुए और वहां से चवित होकर के थावर नाम के ब्राह्मण हुए और पंद्रहवे भाव के अंदर ब्रह्मदेव लोक के उत्पन्न होते हैं, सोलहवे के भाव के अंदर विशाखभूति के रूप में उनका जन्म होता है, विशाखभूति युवराज थे, राजा के पुत्र थे विशाख नंदी और विशाखभूति दोनों चचेरे भाई थे, चचेरे भाई और उसके अंदर भी कहा जाता है कि विशाखभूति बड़े बलवान थे, एक बार राजा के राज्य पर शत्रु राजा ने
आक्रमण किया, तब उस समय राजा उसे लड़ने के लिए जा रहे थे। राजा की सुंदर वाटिका के अंदर विशाखभूति अपने रानियों के साथ रहता था। राजपुत्र विश्वभूति उसको लेना चाहता था। इस समय के अंदर राजा जब युद्ध के जा रहे थे, राजा ने कहा, विशाखभूति ने कहा कि रहने दो, मैं जाकर उसको जीत के आता हूं, आप रहने दीजिए। वह लड़ने के लिए गए, पहाड़ी को खाली करके युद्ध लड़ने के लिए गए, युद्ध विजय प्राप्त करके आए और आकर के देखा तो वह प्रिय बगीचा जिसके अंदर वो अपने रानी के साथ रह रहे थे, वह बगीचा विशाखभूति का विश्वभूति को दे दिया था राजा ने, उसे जाने से रोक दिया गया। तब उसकी इतनी ताकत थी, उसने एक मुट्ठी मारे जोर से, तो कहते हैं कि बिल वृक्ष कूट वृक्ष के सारे कोट गिर गए, ताकत उनके अंदर थी और उन्हें वैराग्य हो गया, वैराग्य होकर दीक्षित हो गए, तपस्या बन गए। और एक बार तपस्या करते हुए तपस्या के कारण विशाखभूति नगर में भ्रमण करते, तभी गाय ने उन्होंने धक्का दिया, धक्का दिया तो गिर पड़े। तब कहते हैं कि विश्वभूति ध्रुव के अंदर खड़ा था, हास्य किया उसने, अरे विशाखभूति तेरा बल कहाँ गया, जिस एक मुट्ठी से तुमने कोष गिरा दिया था, आज तुमने गाय ने तुझे गिरा दिया, तो तेरा बल कहाँ गया। विश्वभूति की आवाज सुनकर विशाखभूति को अपने बल की स्मृति हुई और उन्होंने उस समय गाय को उठाई, सिंह से आकाश की तरफ उछाल दी, खड़ी कर दी, घुमा करके वापस जमीन पे रख दी। देख मेरा बल कहीं नहीं गया, मेरा बल मेरे अंदर मौजूद है, तू मुझे इस तरह से प्रताड़ित मत कर। और मन ही मन संकल्प किया कि मेरे तप का बल हो तो मैं अगले जन्म के अंदर इस विशाखभूति को मारने वाला बनू, इस तरह का संकल्प किया। और संकल्प करने के कारण से वह जीव दुर्गति प्राप्त होता है और वहां से कहते हैं विशाखभूति का जीव दोनों के साथ में युद्ध के अंदर जीत न पाए। और 17वें भाव के अंदर तपस्वी मुनि अनशन करके देवलोक में जाते हैं, महाशुक नाम देवलोक में जाते हैं। 18वें भाव के अंदर पोतर गुरु के अंदर त्रिमश वासुदेव बनते हैं और यहाँ पर विशाखभूति विश्वभूति का विशेष संवाद आएगा, जिसे हम कहेंगे कल के प्रवचन के अंदर। 19वें भाव के अंदर नरक में जाता है वहां सभी का जीव। 20वें भाव के अंदर सिंह के रूप में उत्पन्न होते हैं। 21वें भाव के अंदर भगवान का जीव फिर नरक के अंदर जाता है क्योंकि सिंह हिंसा करता है, वह नरक के अंदर भी जाते हैं। तीर्थंकर का जीव भी नरक में जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं, शास्त्र हमारे बता रहे हैं। 22वें भाव के अंदर विमल नाम के दयालु मुनि बनते हैं, उग्र तप करते हैं, चक्रवर्ती के समान कर्मोपार्जन करते हैं और अगले भाव के अंदर चक्रवर्ती बनते हैं। 23वें भाव में महाविदय पश्चिम महाविदय में धनंजय राजा का पुत्र प्रिय मित्र हुआ, जो 6 साल के चक्रवर्ती बना और दीक्षा देकर के 44 लाख का आयु पूर्ण करके मुनि हुए। और देवलोक के अंदर 24वें भाव में उत्पन्न होते हैं, जो सुखनामा देवलोक के भाव उत्पन्न होते हैं। 25वें भाव में नंदन राजकुमार के रूप में उत्पन्न होते हैं और पुटिलाचार्य दीक्षा देकर 20 स्थान तक की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंद करते हैं। हमारे 20 स्थान तब की आराधना बड़ा महत्व है, हमारी माता है बहने बहुत ज्यादा करती है क्योंकि 20 स्थान तब को करने से ही तीर्थंकर गोत्र कर्म बनता है। भगवान महावीर ने यहाँ पर 26वें भाव के अंदर 25वें भाव के अंदर तीर्थंकर गोत्र उत्पन्न 20 स्थान तब की आराधना करके तीर्थंकर गोत्र कर्म बंद किया और 26वें भाव के अंदर देवलोक में जाते हैं और 27वें भाव में निज गोत्र कर्म बंद के कारण से देव समुदाय आयु को पूर्ण करके ब्राह्मण को अवतरण होते हैं। इस तरह से भगवान महावीर की 27वें भाव की कथा है। अगला प्रवचन हम कल आपको सुनाएंगे, इसमें 14 सप्त माता ने तीर्थंकर माता कृष्णा देवी देखती हैं किस तरह से भगवान का जीव देवानंद कक्ष से इंद्र के आदेश पर विष्णु सत्यानी के गर्भ में रखा जाता है, उसका अधिकार कल कहा जाएगा। 14वें श्लोक का वर्णन आपको सुनाया जाएगा और जन्म कल्याण का भी आपको बाइट दिया जाएगा अलग से, आप उसका इंतजार करिए। परिवजर्माण कपो मंगलम वर्तमान नृत्यम ये परिगया जिनरा थेरावली चरितम मी।